नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द लर्निंग हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की बैच वाइज वर्दी का दौर चल रहा है, और ये सभी उन कैंडिडेट्स के लिए खुशी की बात है जो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। तो इसी श्रृंखला को जारी करते हुए मैं आपसे अब शेयर करना चाहता हूँ कि जो डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऊना के द्वारा जो है शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 39 पोस्टों के लिए बैच वाइज बैकलॉग के आधार पे भर्ती की जा रही है। दोस्तों, मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं कि बैकलॉग का मतलब यह था कि जो पहले जो कैटेगरी वाइज जो थे, मतलब वैकेंसीज अप्रूव्ड थी लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं भरी गई थी, तो वो बैकलॉग माना जाता है। ये सारी जो भर्तियां हैं ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे होंगी। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है 2 साल का रहेगा, और 2 साल के बाद आपको जो है रेगुलर एम्प्लॉय हिमाचल प्रदेश सरकार का माना जाएगा। तो इन पदों के लिए जो 39 जो टोटल पोस्ट हैं जो बैच वाइज और बैकलॉग के आधार पे के द्वारा जो है भरी जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, इनकी जो काउंसलिंग जो है वो 17 और 18 अप्रैल को जो है ऑफिस ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन उन्ना के वहां पे होगी। तो इसमें आपको दो चीजें तो क्लियर हो रही हैं कि जो डेट्स जो हैं वो 17 अप्रैल को होगी और 18 अप्रैल को होगी, और जो आपका वेन्यू जो रहेगा वो ऑफिस ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन उन्ना, जो हमारे वहां जो डिप्टी डायरेक्टर हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के उनके ऑफिस में ये जो है काउंसलिंग जो होगी। अब इसमें कौन कौन से जो कैंडिडेट्स जो हैं हिस्सा ले पाएंगे इसके बारे में हम विस्तार से आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे हमने बताया कि ये जो है ये बैच वाइज भर्ती है, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड बैच क्या रहेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस किस बैच के जो कैंडिडेट्स जो हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, जिसमें कि बैच वाइज की 7 पोस्टें हैं, और यहाँ पे जो है 31 दिसंबर 2000 तक का 31 दिसंबर 2000 तक का जो बैच है उस तक के कैंडिडेट्स को एक्सेप्टेड किया जाएगा। तो 31/12/2000 जो है जिनका बैच है वो कैंडिडेट्स जो है इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें, उसकी 2 पोस्टें हैं और उनके लिए जो बैच रहेगा वो 31 दिसंबर 2001 रहेगा। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो उसके लिए बैच वाइज जो है 4 वैकेंसीज हैं और बैकलॉग 3, तो टोटल यहाँ पे 7 वैकेंसीज हो जाती हैं। तो इसके लिए जो बैच जो रहेगा 31 दिसंबर 2004 रहेगा। शेड्यूल कास्ट बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी जो रहती है उसमें जो है 1 पोस्ट जो है बैच वाइज भरी जाएगी और 2 जो है बैकलॉग की है तो वो भरी जाएंगी, तो टोटल मिला के 5 पोस्टें इसमें हो जाती है। और इसके लिए जो बैच जो रहेगा 31 दिसंबर 2005 तक के कैंडिडेट जो है इसमें हिस्सा ले सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो उसकी 1 जो है बैकलॉग की वैकेंसी है, तो उसके लिए टिल डेट जो है करंट डेट का जो मतलब अभी फ्रेशर जो है जिन्होंने जिनके बैच जो है वो कंसिडर किया जजाएगा। ओबीसी के लिए 5 जो है बैच वाइज की पोस्ट हैं और 3 जो है बैकलॉग है, तो ये टोटल 8 पोस्टें बनती हैं। तो इसके लिए 31 दिसंबर 2005 तक के कैंडिडेट जो है एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट में बात करूं तो ओबीसी बीपीएल की, तो इसमें 4 पोस्टें जो हैं बैकलॉग की हैं, तो इसके लिए जो है जो बैच रहेगा 31 दिसंबर 2008 रहेगा। ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की एक पोस्ट है, इसके लिए करंट बैच एक्सेप्ट रहेंगे। और जो एसटी स्टूल ट्राइब्स जो है उसकी 1 पोस्ट बैच वाइज भरी जाएगी और 3 पोस्टें जो है वो बैकलॉग की होंगी, तो टोटल 4 पोस्टें भरी जाएंगी। इसके लिए जो है बैच जो रहेगा 31 दिसंबर 2007 तक के कैंडिडेट हिस्सा ले सकते हैं। एसटी बीपीएल की बात करूं तो उसकी 2 पोस्टें जो है बैकलॉग में हैं, तो इन 2 पोस्टों के अगेंस्ट जो है 31 दिसंबर 2009 तक के जो कैंडिडेट इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो टोटल हम देख पा रहे हैं कि जो बैच वाइज जो है वो 20 पोस्टें हैं और बैकलॉग की
है जो है 19 हैं टोटल, 39 39 पोस्टें जो हैं जिनके लिए काउंसलिंग होने वाली है। अभी हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे कि इसका जो शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग क्या है, कौन कौन कब कब हिस्सा ले सकते हैं। तो काउंसलिंग डेट में जो 17 अप्रैल 2023 है उसमें उन्ना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट हैं हिस्सा लेंगे। टाइमिंग जो रहेगी वो 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और वेन्यू जो, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, ऑफिस ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन उन्ना रहेगा। 18 अप्रैल को जो है चंबा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन डिस्ट्रिक्ट, ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी, इसके जो कैंडिडेट जो हिस्सा ले सकते हैं। टाइमिंग सेम रहेगी 10 से 5, और वेन्यू भी सेम रहेगा, ऑफिस ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट उन्ना। तो दोस्तों ये जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता था। तो काइंडली अपनी जो आपको यह पीरियड्स बताई गई हैं और बैच, उसको ध्यान में रखते हुए आप काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं। थैंक यू।